तो हेलो भाई, हेलो बहन, जो भी मेरे दोस्त भाई हैं सबको हेलो। सॉरी आवाज़ आ रही थोड़ी ज़्यादा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको एक वीडियो बना के बताया था, उसमें कि काउंसलिंग मतलब रिजल्ट कब आएगा, कितने तक, और रिजल्ट को आपको कैसे देखना, पूरा प्रोसेस मैंने वीडियो में बताया। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल पर जाके देख लीजिए, ऊपर से अभी सेकेंड नंबर पर है वो वीडियो, आप वहाँ पर देख लीजिए। और यहीं पर एक और अपडेट आया, मैंने तुरंत देखा तो तुरंत मैंने कहा वीडियो बना दूँ ताकि आप तक जो इन्फॉर्मेशन वो पहुँच जाए। तो आज जो रिजल्ट हुआ वो अभी एक रिपोर्टर के हिसाब से टाइमिंग बताया गया है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या टाइमिंग है। और एक बहुत ही ज़रूरी बात मैं बात करूंगा यहाँ पर इस वीडियो में कि मतलब कितने नंबर वालों को जो कट ऑफ करके निकलते हैं वो निकलते हैं, मतलब जो भी जाते हैं नंबर जितने, मतलब कितने नंबर आपको लाना कि आप पास हो जाएंगे वगैरह वगैरह। तो ये सब जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और दिखाऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा भी। तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। भाई, अगर आप हमको भाई मानते हैं या मेरी बहन जो मुझको भाई मानते हैं या जो दोस्त मुझको मानते मतलब कुछ भी समझते हैं वो मुझको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। मैं वहाँ पर 24 घंटे बैठे रहता हूँ, ऑनलाइन फ्री रहता हूँ, कोई काम धंधा नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर ये जो इसकी जो टाइमिंग है वो जो टाइमिंग क्या है, रिजल्ट आपका कब तक आएगा। देखिए, जो न्यू दिल्ली नीट रिजल्ट 2020 नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA विल अनाउंस द रिजल्ट फॉर नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट नीट 2020 रिजल्ट। द नीट 2020 रिजल्ट टाइम इज 4 PM अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टर्स। रिपोर्टर्स के अकॉर्डिंग जो टाइमिंग यहाँ पर आई वो आपकी 4 PM आई। तो आप रिजल्ट चेक करते रहिए, आपका रिजल्ट कभी भी आ सकता है, कोई भी कंफर्म नहीं कर सकते हैं क्योंकि मैंने भी अभी एक वीडियो में बताया था, मुझे लगता था 2 बजे से पहले आएगा, पर यहाँ पर जो टाइमिंग दिया यहाँ पर 4 PM दिए हैं और ये आज के ही दिन आएगा। तो आप रिजल्ट चेक करते रहिए और अपना देखते रहिए, समझते रहिए। बेस्ट ऑफ लक सबको है भाई, अच्छे से पास हो जाओ। और अगर पास हो जाना तो लाइक ज़रूर करना, फेल होना कोई चांस नहीं ना भाई आप लोग की। और यहाँ पर सॉरी, अब बात करते हैं यहाँ पर मतलब कितने नंबर वालों को पास किया जाएगा, कितने नंबर वाले निकलेंगे। तो चलिए सबसे पहले कैटेगरी यहाँ पर आप देख लेते हैं, जो कैटेगरी है जनरल कैटेगरी का अगर हम बात करें यहाँ पर, तो मिनिमम जो उसको 50 लाना पड़ेगा, 50 के नीचे उसका काम नहीं हो पाएगा, बाकी कट ऑफ जो निकल जाए बात अलग है। फिर यहाँ पर देखिए OBC SC ST जो है उनको 40 नंबर लाना पड़ेगा, 40। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल के जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनको 45 लाना पड़ेगा, जनरल के फिजिकली हैंडीकैप्ड जो उनको 45 लाना पड़ेगा। और अगर वो OBC या ST या ST में आते हैं तो उनको 40 नंबर लाना पड़ेगा, तब वो पास होंगे। तो ये थी आज की जानकारी। तो मेरे चैनल को भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर देना क्योंकि जो भी अपडेट आती है मैं सबसे पहले अपने चैनल पर पूरे जल्दी से जल्दी डालने की कोशिश करता हूँ कि आप तक डिले ना हो, आप तक लेट ना हो, आपको लेट ना हो बिल्कुल भी। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करो और लाइक भी कर दिया करो। जो भी हो, जो भी सवाल जवाब हो आप मुझको कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।